तोड़ दिया टीवी भाई, गुस्से में तोड़ दिया, गया काम हो गया टीवी का, ये रहा ये सब चीजें सारे। हद है यार, हद है यार, यार कोई ऐसे हारता है यार, वो भी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ यार, थोड़ी सी तो शर्म करते यार। तुम लोगों ने तो हार गए ना, तुम लोग तो कर दिया तुम लोगों ने जो करना था, मेरा तो नुकसान कर दिया ना, तोड़ दिया भाई टीवी, तोड़ दिया गुस्से के अंदर टीवी आकर मैंने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बाबर दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबर दुरानी व्लॉग्स। गाइज आज क्या हुआ ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया है, जो आज पाकिस्तान की टीम ने किया है और जो हमारे जज्बात के साथ इन्होंने खेला है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा कोई अपसेट इन लोगों ने आज करा है। मैं तो अब तक इस चीज़ से शॉक के अंदर हूँ कि हम जिम्बाब्वे से हार गए यार। मतलब वो टीम जिम्बाब्वे, वो टीम है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना बुरे वक्तों में उसके साथ खेला करता था कि यार उसको थोड़ा सा जो है पाकिस्तान को एनर्जी मिलेगी थोड़ी सी, उसके उसके साथ खेलने के बाद उसको हराएंगे तो थोड़ा सा जो ना एनर्जी मिलेगी। यार बिग अपसेट, बहुत ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्या बात करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब सीरियसली इस वक्त जो है ना मैं हंस रहा हूँ, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने अपना यार टीवी तोड़ दिया, मैंने अपना टीवी तोड़ दिया, समझ नहीं आ रहा यार क्या हुआ है ये एकदम। बस वही वाली बात हुई है कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, इन्होंने सब कुछ ही बदल के रख दिया इतनी सी देर के अंदर यार। ये परफॉर्मेंस, मतलब ये टीम लेकर गए थे यहाँ से यार, समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम मैच खेलने के लिए जा रहा है या पता नहीं अपनी दोस्तियाँ निभाने के लिए जा रहा है, कि उसको अपना ये दोस्त भी खिलाना है, इसको अपना वो दोस्त भी खिलाना है। मतलब क्या क्या है क्या कि बाबर आजम जो है वो पता नहीं कोई क्रिकेट का भगवान बन के बैठा हुआ है। दूसरा, दोस्तों को तो खिलाना ही खिलाना है, साथ में खुद ओपनर भी आना है। नहीं मतलब आप अगर ओपनिंग के ऊपर नहीं चल रहे हो तो यार आप कुछ देखो, आप किसी दूसरे बंदे को चांस दो, कोई ऐसा ऐसे बंदे को भेजो ऊपर आने के बाद कोई परफॉर्मेंस तो दे, खेले तो। यार आप कैप्टन हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी टीम की, आप अपनी मस्तियों में मस्त चल रहे हो भाई, आपको कैप्टन आना है, आपको जो है शुरू के अंदर ओपनिंग भी करनी है और उसके बाद रन्स भी नहीं करने हैं और उसके बाद आउट होके वापस पवेलियन चले जाना है, यही करना है ना, अपनी दोस्तियां भी पूरी करनी है, खुद ओपनर। मतलब वो हम बचपन में खेलते थे ना कि वो भाई अमजद मेरा दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, वो खेलेगा यार, ये तो टीम में रहेगा तो मैं खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा। मतलब शाहीन को आप खिला रहे हो, आपने क्या सोच के शाहीन को खिलाया? शाहीन आफरीदी पूरी तरह फिट था, आपको पता है वो फिट था, वो फिट नहीं था, उसकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है, वो जिस तरह से खेल रहा है उससे सही से भागा नहीं जा रहा है, उसकी वो बॉलिंग वो लगी नहीं रहा कहीं से शाहीन आफरीदी बॉलिंग करा रहा है, लेकिन आपको शाहीन शाह आफरीदी को खिलाना है क्योंकि वो आपका दोस्त है, या तो पर्ची है या फिर आपका दोस्त है भाई। इससे तो एक बात तो ये साबित है और ये बात सच है कि विराट कोहली इज़ अ किंग, वो वाकई में किंग है, उसने साबित किया है के क्रूशल मैचेस उसने निकाले हैं और उसकी परफॉर्मेंस अब दिख रही है। आपकी बाबर साहब, आपकी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है ना, मतलब आपकी परफॉर्मेंस का क्या फ़ायदा कि जब एक बड़ा इवेंट आया, एक बिग इवेंट आया, वहाँ पर आप पिच के ऊपर सूसू करके भाग गए, मतलब क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है ऐसी आपकी परफॉर्मेंस का कि जो वक्त पर काम ना है? भाई आप माफ़ करो, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहे हैं हम, ये पाकिस्तानी आवाम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप वापस आ जाओ, आपका जो है आप वर्ल्ड कप क्या, आप कुछ खेलने के काबिल नहीं हो, आप वापस आओ और अगर थोड़ी सी गैरत है ना तो यहाँ पर आकर आप रिज़ाइन दे दो, आप रिज़ाइन दो और जाओ। मैं तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई एक अच्छा खासा कैप्टन था, मैं देखो बाबर की बैटिंग अच्छी थी, हम सब अच्छा बोलते थे, उसको सपोर्ट भी किया, चलो यार अब फॉर्म वापस आएगी, तो यार इससे अच्छा तो फिर अपना थरफराज भाई नहीं थे यार? कुछ भी आप कुछ भी बोलो उस बंदे को, लेकिन उसने मैचेस आपको जितवाए हैं, उसने प्रेशर के अंदर खेला है, उसने साबित किया है कि वो गुड कैप्टन था,
लेकिन आपको हमने सपोर्ट किया क्योंकि आप अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन फ़ायदा क्या, ऐसी ऐसे बैट्समैन का फ़ायदा क्या जो वक्त के ऊपर अपनी बैटिंग ना दिखा पाए यार। आपसे अच्छा, आपसे तो अच्छा है ही विराट कोहली यार, कसम से मान गया बहुत सल्यूट है विराट कोहली भाई, कुछ भी बोलो विराट कोहली, आप जो है ना उसके आसपास भी जो ना नहीं आते, बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं भटक सकता। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि उससे अच्छा बैट्समैन पूरी वर्ल्ड के अंदर इस वक्त नहीं है। वो जिस तरह फॉर्म के अंदर खेल रहा है और जिस तरह से वो 50s मार रहा है, मतलब वो वाकई में लग रहा है कि ये T20 मैच खेलने के लिए आया है, वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया है, हमारी तरह टेस्ट मैच या वनडे मैच खेलने के लिए नहीं आया। आपने तो टेस्ट मैच की टीम को उठाकर वनडे के अंदर खिला रहे हो और वनडे की टीम को उठाकर टेस्ट मैच के अंदर खिला रहे हो, पता नहीं समझ से बाहर है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई आप छोड़ो, आप लोग वापस आ जाओ, और हमारा तो कौमी खेल हॉकी है, तो हमारा नेशनल गेम हॉकी है, तो हम तो हॉकी को सपोर्ट करेंगे। और दूसरा ये कि मेरी दिल से दुआ है, दिल से मेरी ये दुआ है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया जीते, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। और उनके पास विराट कोहली है जिसकी बैटिंग जो है देखकर लग रहा है कि उसने वाकई में मेहनत करी है और वो डिज़र्व करता है। और आज का मैच जो पाकिस्तान हारा है उसमें पाकिस्तान की तो गलतियां हैं ही हैं, लेकिन उसके अंदर नो डाउट जिम्बाब्वे ने कमाल कर दिया, उन्होंने बहुत मेहनत करी और जिम्बाब्वे डिज़र्व करता था कि आज का मैच वो जीते, और हम डिज़र्व करते थे कि आज का मैच हम हारें और हारने के बाद अपनी गलतियों को सुधारें। लेकिन मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला, गलतियां नहीं सुधरने वाली हैं, लेकिन मेरा फुल सपोर्ट है इंडिया के साथ और मैं चाहता हूं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते।